क्लास 12 स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडीइंग डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग इन कैपेसिटर्स दैट यू विल स्टडी आफ्टर दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो डाइइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, इट इज नॉट ए कंडक्टर। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस क्यों ले रहे हैं वो स्टडी करने के लिए आपको ये दोनों डायग्राम्स समझने होंगे। डिफरेंस कंडक्टर अगर लेते हैं तो क्या इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फील्ड का, और अगर हम नॉन कंडक्टर लेते हैं ये दैट इज़ कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक, तो इफेक्ट क्या होता है। जब हम कंडक्टर पुट करते हैं किसी फील्ड के बीच में, दिस इज़ ए एक्सटर्नल फील्ड, पुटिंग ए कंडक्टर इन एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, ये एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है एंड देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे स्प्रेड इन द कंडक्टर। फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, दैट वी हैड स्टडीड कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अपोज द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड चार्जेस अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो चार्जेस इंडक्शन होता है उसकी वजह से एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट विल रिड्यूस द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर दोनों का सम हम जब करते हैं तो दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट एज ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ ए कंडक्टर सो इट विल कंडक्ट ऑल द एक्सटर्नल फील्ड, जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई किया है तो वो कंडक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट फील्ड जो प्रोड्यूस होता है दैट विल बी ज़ीरो। बट इन केस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस करता है डायपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक, उसको खींचता है जो भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि कंडक्टर में तो फ्री चार्जेस रहते हैं तो दैट विल मेक इंटरनल फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, बट इन दिस फ्री चार्जेस आर नॉट देयर, सो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डायपोल मोमेंट विल प्रोड्यूस, डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट चार्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक विच प्रोड्यूस ए फील्ड दैट अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे भी एक इंटरनल फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट इंटरनल फील्ड अगेन सम अप विद द एक्सटर्नल फील्ड, बट वॉट इट विल डू, इट विल रिड्यूस द एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड के बराबर नहीं रहेगा, उसको दोनों को कैंसिल नहीं होगा, दोनों इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, इट विल रिड्यूस द एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड का जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से ज़ीरो नहीं होगा, इट विल ओनली रिड्यूस इट। तो हमें अगर कहीं पे एक फील्ड है और उसको उसका इफेक्ट कम करना है तो वहाँ पे हम डाइइलेक्ट्रिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में समझ सकते हैं कि कैसे डाइइलेक्ट्रिक वर्क करता है। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, दिस यू हैव मस्ट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री। पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl एंड H2O एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं लाइक हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें पोलराइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दैट वी विल स्टडी डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।